मैटिक तो भाई धमाका मचा रहा है और अपन ने यहाँ पे लो लेवल पे ले रखा है। मैं कब से आपको 80-90 रुपए की प्राइसेस थी तब से बोलता आया हूँ मैटिक को होल्ड करो, इसको ले लो, बोर्ड डाउन होता तब भी आपको बताता था। अब आपके सामने देखो प्राइसेस भयंकर तरीके से ऊपर गई है। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ वार्निंग्स है, कुछ अपॉर्चुनिटी है जो आज की इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। इसलिए प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिए क्योंकि वहाँ पे आपको छोटे मोटे अपडेट मिलते रहते हैं। और कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का रिसर्च जरूर कर लेना क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैटिक का वनडे का चार्ट ओपन कर लिया है और आप चार्ट में क्लियरली देख सकते हैं बहुत ही लंबे टाइम फ्रेम में सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। और मैंने एक बार पहले भी एक वीडियो में इसका जिक्र किया था जब प्राइसेस यहाँ पे थी, देखिए यहाँ पे आप देखिए, तब मैंने बोला था कि इसको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए और बार बार होल्ड करता है इस ट्रेंड लाइन पे। और यहाँ से देखो कितना ज़बरदस्त पंप हुआ है, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो एक बार होल्ड किया, 2, 3, 4, 5 बार यहाँ पे होल्ड किया प्राइसेस, इससे नीचे नहीं गई है। और अब यहाँ पे मार्केट में बहुत अच्छा खासा ऊपर भी जा रहा है, यहाँ जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वहाँ तक तो प्राइसेस जाके आ गई है, थोड़ा रिजेक्ट हो गया है। लेकिन अगर ये इस प्रीवियस ऑल टाइम हाई को तोड़ देता है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, भयंकर तरीके से प्राइस में और भी एक्सप्लोजन देखने को मिलेगा। और एक बार इसके ऊपर होल्ड करना चाहिए तो, लेकिन ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है, तो फिर तो प्राइसेस आपको $5, $6 इसके अराउंड भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। और नहीं यहाँ पे होल्ड कर पाता है, रिजेक्ट होती है प्राइसेस, तो आपको ये $2.25, $2.25 या $2 के अराउंड भी प्राइसेस देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे ज़्यादा प्राइसेस नीचे नहीं आएंगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं जूम कर देता हूँ, मार्केट में अगर थोड़ा और भी ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है तो भी इसकी प्राइसेस देखो अच्छे लेवल पर है, थोड़ा बहुत ही नीचे रिजेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको कल भी बोला था यहाँ पे कुछ पार्ट में यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बेटर रहेगा आपके लिए, और यहाँ पे नीचे आ जाए तो उठा लेना, ठीक है। चांस है तो यही लग रहे हैं कि थोड़ा बहुत रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, अगर नहीं मिलता है इसको ये ब्रेक करने में सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो ब्रेक नहीं करते हैं। उसका मेन रीज़न ये होता है कि लोग जो यहाँ पे पहले ले रखे थे वो यहाँ से निकल चुके हैं, ठीक है, और मे बी जो जिन्होंने डिप में ले रखा है वो भी ये सोच के कि यार पहले रिजेक्ट हुई है तो निकल लो, तो इस वजह से यहाँ निकले हैं, थोड़ा बहुत रिजेक्शन हुआ है। लेकिन कोई नहीं, अगर ज़्यादा ही पंप होगा तो तोड़ दिया इसको तो यहाँ होल्ड कर दिया, अच्छा खासा एक्सप्लोजन और होगा। लेकिन आप दोनों सीनेरियो को ध्यान में रखना, वार्निंग यही है कि यहाँ पे फंस मत जाना कि जाएगा जाएगा या ऊपर फंसो। पहले भी देखो यहाँ पर लेके फंस गए थे, नीचे आ गई थी प्राइसेस, तो अभी भी यहाँ पे अगर रिजेक्शन होता है, नहीं होल्ड कर पाते हैं यहाँ पे, तो आपको $2.25 राउंड प्राइसेस देखने को मिल सकती है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बड़ा है, तो अगर प्राइसेस नहीं तोड़ पाती है तो इस तरीके से चलेगा ना, ऊपर नीचे, तो यहाँ पे एक ना एक दिन तो तोड़ेगा ही ना, तो फिर प्राइसिंग में ज़बरदस्त एक्सप्लोजन देखने को मिलेगा। तो आप थोड़ा स्मार्टली चलिए, प्रॉफिट बुक करते रहिए, वापस से नीचे लेते रहिए, इस तरीके से करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा एक नॉर्मल यूजर के कंपैरिजन में। तो मैंने मैटिक को लेकर सब कुछ बता दिया है, वीडियो में अगर आपको ज़रा सा भी नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आपको इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे।